जानवी, रात को उस आदमी के कराने की आवाज के पीछे पीछे मैं पास एक खंडर में पहुंचा। कौन हो तुम भाई? तुम मुझे वचन दो कि ये नूपुर तुम मेरी बेटी तक पहुंचा दोगे। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। हमारे पास बस यही एक रास्ता है और शायद भगवान की भी यही मर्जी है। ये दवाई मंगा लेना और इनको टाइम से टाइम पे देते रहना। हाँ दीदी। गंगा देखो तो क्या हो रहा है, पता नहीं इतनी सुबह सुबह धरती कहाँ डोल रही है। हमें तो लगता है ये पांडे हो। इनकी हिम्मत कहां तक पहुंची है? नहीं गंगा, जोश में आके कुछ नहीं करूं। तुम्हें तो पता है ना कुसुमी घर पे है, और अगर उसके सामने तूतू मैं हो गई तो बात और बिगड़ सकती है। और अगर इन लोगों ने हमारी बच्चियों के खिलाफ एक भी बेहुदा अल्फाज निकाले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, खून खराबा हो सकता है। इसलिए हमें खून के घूंट पीने के अलावा और कोई चारा नहीं। जा देखो कहीं बच्चियां इन शोर शराबे से उठ तो नहीं गई। इस समय लड़कियां कहाँ घर पर रहती है, निकल गई होगी सुबह की सैर करने।
इन लड़कियों के पैर घर पे टिकते ही नहीं। जब से ये लड़की आई है हम बहुत परेशान हो गए। हमारे नाक में दम करके रखा है इसको सुमी ने। कुछ दिन अगर घर पे रह जाएगी तो कोई आफत आ जाएगी, लेकिन नहीं, हमारी ऐसी खुशकिस्मती का अल्लाह इन्हें तौफीक दे, नेक तौफीक दे। दीदी अच्छा ही हुआ कुसुमी घर पर नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे मक्खन तू गया नहीं अब तक? अच्छा बता क्या खुदा तेरे पेट के अंदर? हे माँ देख देख अपने तेरे लिए क्या बना देख। बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई है, हूबहू, और इतनी बारीकी है इसके अंदर। वाह मक्खन बहुत अच्छा, आखिर ये तुमने किया कैसे? ये सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है। क्या बहुत सुंदर मक्खन। हे गणपति बप्पा, जब से ये नूपुर हमारी जिंदगी में आया है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये हमारे सुख के पीछे पीछे दुख के साहे की तरह मंडरा रहा है। हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। मक्खन। हाँ माँ। तेरा आंखों मेरे साथ कोई तो होगा अपना। बात क्या है? ये क्या है मम्मी जी? सवाल मत करो, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। तुम ये देख रहे हो ना, क्या तुम मेरे लिए इसकी एक तस्वीर बना सकते हो? इसकी तस्वीर? हाँ हाँ क्यों नहीं, काम ही तो कारीगर की पहचान होती है ना मम्मी जी। तो ठीक है, पर आज तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि जो काम मैं तुम्हें सौंपने जा रही हूँ इस बात की भनक भी किसी को होने ना पाए। मम्मी जी आपका हुक्म सारा आंखों पर, आपका काम हो जाएगा। हे बाबा विश्वनाथ, इतने सालों से मैं ये बोझ ढो रही हूँ, इस बार मुझे निराश मत करना। जय बाबा भोलेनाथ। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। ला 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 ला। ए ए ए, अरे वाह ये तस्वीर तो बन गई मम्मी जी। आप थोड़ी देर के बाद फोन कीजिए। हाँ हाँ ये देखो मक्खन, देख कर ये तस्वीर सुहानी, याद आ गई एक बात पुरानी। आ गया तो सुना दूँ कहानी? बिल्कुल नहीं मक्खन, मगर हाँ अरे तुम्हारी ये बनाई हुई तस्वीर तो बहुत ही प्रशंसनीय है, तुमने तो कमाल कर दिया मक्खन। बिल्कुल वही कारीगरी तुमने अपनी तस्वीर में उतारी है, तुम्हारी कला सही में सराहनीय है। अगर तुम हमें छोड़कर शहर चले गए होते
तो कितना नाम और पैसा कमाया होता तुमने। तुम्हारी कला को परखने वाला कोई मिल गया होता और तुम्हें तुम्हारी मंजिल। ऐसा कहकर मत दुखाइए दिल मेरा, सात जन्म लूंगा, सेवा करना फर्ज है मेरा। अरे बुद्धू, मैं ये बात तेरा दिल दुखाने के लिए थोड़ी ना कह रही थी। तेरी जिंदगी बन गई होती अगर तू शहर चला गया होता तो। जिस तरह कुम्हार आकार देता है गीली मिट्टी को, उसी तरह गढ़ा है आपने मेरी तकदीर को। नहीं जाऊंगा छोड़कर आपको, बनूंगा हनुमान, ऐसा कह गए व्यास कवि। तुम्हारी बात सुनकर मेरी आंख भर आई मक्खन। मेरी तकदीर जो तुम मुझे मिले, तुमने तो हमारे लिए इतना किया है, मगर देख तुझे एक काम और करना होगा। लेकिन एक वचन दे मुझे कि ये बात सिर्फ मेरे और तेरे बीच में रहेगी। प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। हे गंगा मैया, मुझे माफ करना, मैं तुमसे ज्यादा अपनी अपने इस मैया को मानता हूँ। मम्मी जी, तुम्हारी कसम, अगर मेरी जुबान से एक भी बात निकली तो मेरी जुबान कट जाएगी। तो सुन, बताती हूँ, तुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ और तू इस काम के लिए किसी की मदद भी नहीं ले सकता। तू ये तस्वीर देख रहा है ना, इस तस्वीर के हिस्से को तुझे हर जौहरी के पास लेकर जाना होगा और जिस जौहरी ने भी इस तस्वीर को पूरा कर दिया उसका पता मुझे तुरंत आकर बताना होगा। मम्मी जी, मन में मच रही है मेरी खलबली, आखिर ये नूपुर है किसकी? तुझे ये बातें समझ में नहीं आई, बस जितना बोलू उतना ही कर और ध्यान रहे ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जिप्सी लिया ना। मक्खन, तू कभी नहीं सुधर सकता। कोई तो होगा अपना। Awesome man, beautiful, wow. इतनी और इतनी वैरायटी सिर्फ इंडिया में ही हो सकती है। वाह इंडिया, वाह। Beautiful यार, awesome. हिंदुस्तान के हेरिटेज को शिवराज का सलाम, नमस्कार। दुनिया कितनी बदल गई है ना, कहां से कहां पहुंच गई है। बनारस बिल्कुल वैसा का वैसा, कितना पावन घाट है ये, ब्यूटीफुल। वाह रे इंडिया, वाह वाह। कचौरी, समोसा, भैया गरम क्या है इसमें से? समोसा, पकौड़ी है, ब्रेड है, छोला भी है। क्या बात है, तो एक प्लेट बना दीजिए बढ़िया सी। अरे बड़े साल हो गए यार ये सब खाए हुए, जल्दी जल्दी जल्दी। पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपको मैं लंदन लेके जाऊंगा अपने साथ। इमली की चटनी और समोसे का आलू, बचपन से स्वाद के साथ जिए हम।
चटनी डालो ना यार, कितना कंजूसी करते हो यार, चटनी डालो प्लीज। अरे बचपन से इसके लिए तरसते थे हम, आज पता नहीं कितने सालों बाद मिली है। आपके समोसे के कारण चटनी नहीं खाते हम, चटनी के कारण समोसा खाते हैं। हाँ रबड़ी जलेबी लाइए, जाइए जल्दी करिए। बोल दो जवा, डोंट माइंड, पर अगर ये मुंह ऊपर उठाकर जलेबी खाता है ना तो समझ के वो ये। कौन कौन है? अरे बता तो सही। शराब बक 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 ये जा रही है, तू देख नहीं रही है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ? अरे कौन है ये तो बता। कौन है बदतमीज? डोंट माइंड, पर तुम भोंदू हो ना? डोंट माइंड, भोंदू? की तरह तुम्हारे पास बिखर जाएंगे, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे हम। कस दोस्ती का कौन करेगा अदा? अरे हम नहीं होंगे तो दोस्ती कौन करेगा? भोंदू। आओ। नहीं कुसमी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी और फिर मेरी शादी में डांस कौन करेगा? कहने कहा सिर्फ और सिर्फ मुझे है। ओके। मामा क्या हुआ? डोंट माइंड, फिर आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, तबीयत थोड़ी नासाज है। वैसे तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं मामा, बस मॉर्निंग वॉक पर गए थे। मामा आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? गंगा मासी आप दोनों साथ में तो बीमार नहीं पड़ सकते ना? क्या बात है मामा,
आप लोगों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? प्लीज बताइए ना क्या हुआ? कुछ बताने का होगा तो बताएंगे ना बेटा। जा, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। मामा, नाश्ता तो होता रहेगा, पर पहले आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी मामा है ना? मेरी खुशी, मेरा दर्द, मेरी सारी फीलिंग्स आप खुली किताब की तरह पढ़ लेती है ना? बात छोटी हो या बड़ी, आप जान जाती है ना? डोंट माइंड, पर मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ माँ, उसका थोड़ा तो असर होगा। बताइए ना मम्मा, क्या बात है? आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? बेटा नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं दीदी, आप मना मत करिए, आखिर ये लोग हमारे अपने बच्चे हैं, और कभी ना कभी पता तो चलेगा ही, तो फिर आज क्यों नहीं? दूसरों से पता चलने से बेहतर है कि हम खुद ही बता दें। बेटा, द्वारका पांडे आया था और कोठी खाली करने की धमकी देकर गया है, धमका कर गया है कि हमसे किसी भी तरह से कोठी खाली करवा कर ही रहेगा। बस हम इसी बात से परेशान हैं। बेटा, हमें इस बात का खौफ नहीं है कि वो हमें इस कोठी से निकाल देंगे या कौन से हथकंडे अपनाएंगे। हमारा खुदा जानता है ऐसी हालत करेंगे कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाएगा। सारी माएं चाहती है कि वो अपनी बेटी के साथ में रहे, और एक आप है जो हर वक्त मुझे दिल्ली भेजने के बहाने ढूंढती रहती है। कुसुमी, तुम्हारी जबान से निकले हर जहरीले अल्फाज को निकलने के लिए हम तैयार हैं। जवा, तू यकीन नहीं करेगी, भोंदो से मिलकर आज मैं कितनी खुश हूँ। यकीन क्यों ना करूँ, वो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है। अरे फिर क्या था सरकार, कहानी में और ट्विस्ट आ गया। अरे वो जूता, लात, चप्पल, घूंसा, लाठी, झाड़ू, सबसे हमारी इज्जत का पीस पीस कर दिया, एकदम पीस पीस कर दिया। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, और अभी तो मैं आया हूँ, ठीक से शहर नहीं देखा, कुछ एंजॉय नहीं किया मैंने, और आप आते ही मुझे काम में एंगेज करना चाहते हैं। ये सारी की सारी मछलियां जाल में फंसेगी, बड़ी हो या छोटी, कोई नहीं बचेगी।